हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुला पॉइंट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 35 मैथमेटिक्स क्लास ए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी अब तक हमने जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन पढ़े थे ना, याद होगा आपको? नहीं याद है कोई बात नहीं, पिछली वर्कशीट की वीडियो हमारे प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हैं। तो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। इस वर्कशीट में भी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको लाइक और अनलाइक टर्म्स का दे ही देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 123 को 135 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा बच्चे? यस ऑब्वियस है, 5 और 3 8 3 2 5 1 2 2 5 8 2 150। मैं आपको कहूं कि 4 मैंगोज में 7 मैंगोज ऐड करो तो क्या आएगा बेटा? ऑफकोर्स 11 मैंगोज। मैंगोज 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 पॉइंट टू भी नोट किया जाए, ठीक है ना? तो आज थोड़ा सा अंदाज अलग है हमारा पढ़ाने का। तो हमने क्या पढ़ा कि 1 मैंगो और 4 मैंगो और 7 मैंगोज को ऐड करेंगे तो 11 मैंगोज आएंगे, यानी मैंगो की बिरादरी को हमने ऐड किया, यही किया ना बेटा? नाउ 8 पेंसिल और 7 पेंसिल तो ऐड करेंगे तो कितनी पेंसिल होंगी? 15 पेंसिल। अगर मैं आपको कहूं कि 4 मैंगो को 7 पेंसिल से ऐड करो तो आप सोचेंगे चलिए 4 और 7 11 लिख देते हैं, बट लिखे क्या? मैंगो लिखे कि पेंसिल लिखे, या आप ऐसे लिखेंगे मैंगोस पेंसिल्स? तो बड़ा ऑड लगेगा, है ना? तो दैट मींस कि हमें क्या समझ में आया कि अगर मैंगो को मैंगो से ऐड करेंगे तभी मैंगोस हैं, पेंसिल प्लस पेंसिल ही ऐड हो रहा है, बट मैंगो एंड पेंसिल को हम ऐड नहीं कर सकते। यही तो है लाइक और अनलाइक। क्लियर हुआ? एक जैसे टर्म कहलाते हैं लाइक टर्म्स, एंड जो टर्म्स एक जैसे नहीं हैं, वो होते हैं अनलाइक टर्म्स। चलिए अब इसे हम एबीसीडी एक्सवाईजेड के लैंग्वेज में समझते हैं। सपोज वी आर गिवन 4xy एंड 7xy, 4xy 7xy, कैसे टर्म है ये? लाइक है कि अनलाइक है? यस दीज आर लाइक टर्म्स, बिकॉज ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई, एक जैसा, जस्ट लाइक मैंगोज एंड मैंगोज, जस्ट लाइक पेंसिल एंड पेंसिल, ठीक है? तो ये लाइक टर्म्स हैं, इनको बोलते हैं लाइक टर्म्स। तो वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स को आप ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, बट वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक अनलाइक टर्म, ठीक है? तो यानी 4xy एंड 7xy को अगर मैं ऐड करूं तो 4 और 7 11 होता है और टर्म सेम है xy, तो वी कैन ऐड 4xy प्लस 7xy दैट वी गेट 11xy एंड सब्ट्रैक्ट आल्सो 4xy माइनस 7xy, 7 में से 4 गया -3xy। बट अगर आपको ये दिया हो 4x2y 7xy, दोबारा सुनना ध्यान से, 4x2y 7xy, तो दिमाग जस्ट हिल गया यहाँ पे। कैसे बताइए? यस हमने नोटिस क्या किया कि ये तो x2y है और ये xy है, दैट मीन्स दीज आर नॉट लाइक टर्म्स। तो ये कौन से टर्म्स हैं? सही पहचाना आपने, अनलाइक टर्म्स। सो हमने क्या पढ़ा था? क्या हम इसे ऐड कर सकते हैं? नहीं, जब हम मैंगोस पेंसिल को ऐड नहीं कर पा रहे तो x2y को xy से कैसे ऐड करेंगे? नहीं कर सकते ना। सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नो नॉट पॉसिबल। सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दे आर अनलाइक टर्म्स। तो हम इसे एज इट इज लिखेंगे, 4x2y प्लस 7xy या 4x2y माइनस 7xy, ठीक है? इस पे कुछ जो ऑपरेशन है प्लस माइनस का वो अप्लाई नहीं हो पा रहा है, एज इट इज रहेंगे। क्लियर हो गया? तो आपको दो बातें हमने समझाई, लाइक टर्म को ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बट अनलाइक को आप सब्ट्रैक्ट और ऐड नहीं कर सकते। तो चलिए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। 3ab 11ab, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, दीज आर कॉल्ड लाइक टर्म्स, सो वी कैन ऐड। यहाँ पे टर्म क्या है? ए बी है, ठीक है? जो आपका ये वेरिएबल आया है वो ए बी आया है, तो 3 और 11 14 ab। नाउ
सबट्रैक्ट करके 3HT 5HT, तो हम देख रहे हैं HT क्या है, इसका वेरिएबल है, तो 5 में से 3 गया 2 माइनस, क्योंकि माइनस का सिंबल जो 5 है वो बड़ा है 3 से, तो इसी का सिंबल आएगा, ठीक है। नाउ 7 और 8, आप देखिए FG लाइक टर्म है ना, FG, तो 7 और 8 15FG। अब अगर हमें ऐसे दिया हो तो 4As 6FG एंड 7As, हम देख रहे हैं ये दो तो लाइक है, यानी AS वाले तो लाइक टर्म है, बट FG वाले लाइक नहीं है, ये अनलाइक है, तो लाइक से लाइक ही ऐड कर सकता है जैसा कि हमने अभी पढ़ा, लेकिन अनलाइक ऐड नहीं होगा, तो हम इसको इससे ऐड कर सकते हैं, 7 और 4 11AS हो गया, बट FG वाला एज इट इज रहेगा, क्लियर हुआ। चलिए और समझते हैं क्वेश्चन को, ऐड करते हैं, ऐड करना है इसको और इसको, तो आप इसको उतार देंगे 7x² + 6x + 7 8x, x के नीचे x उतारेंगे +4, 7 के नीचे 4 और 7y अलग है, अनलाइक है, उसको साइड में लिखिए, कहीं भी लिखिए लेकिन साइड में, इनके नीचे नहीं होगा। अब ऐड कीजिए 7x² एज इट इज उतरेगा, 6 और 8 14, 7 और 4 11 और 7y आ गया ना, बट अब आपको इसको सबट्रैक्ट करना है इसमें से, ध्यान दीजिएगा इसको सबट्रैक्ट करना है इसमें से, तो इसको पहले लिखेंगे 4x² - 7xy - 7zx + 5 + 8y², अब 8x² किसके नीचे आएगा, 4 के नीचे, 6xy किसके नीचे आएगा, 7xy के नीचे, 7zx किसके नीचे आएगा, इसके नीचे, और 9 यहाँ आएगा और ये 8y² के नीचे 5y², माइनस में साइन ध्यान देना है चेंज होते हैं, तो व्हाइट कलर पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो इसका अपोजिट साइन, माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब जो बीच का सिंबल है उसको आपको नहीं देखना है, ध्यान दीजिए क्रॉस लगाया मैंने, तो आप देखेंगे कौन सा, फर्स्ट वाली लाइन को और ये सिंबल, तो ये सिंबल सीधे इसका है, ठीक है, तो ये है माइनस का 8 और ये प्लस का 4 है, माइनस 8 में से 4 गया, 8 में से 4 गया 4 माइनस का, ठीक है। अब ये माइनस 6 है और ये भी माइनस 7 है, दोनों ही माइनस है, तो एड हो जाएंगे -13xy -7 14zx है ना, सेम टर्म है, अच्छा ये माइनस का 9 है, ये 4 प्लस का, 5 प्लस का है, 9 में से 5 गया -4, और अब ये प्लस हो गया, देखिए ये इसके सिंबल है, ध्यान देना नीचे वाले डिजिट के ये सिंबल बन चुके हैं, तो 5 और 8 13y², क्लियर। चलिए अब हम सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चंस को, पहला क्वेश्चन क्या है, ऐड करना है, ऐड करें क्वेश्चन नंबर 1, 5x² + 6xy + 7yz + 8, अब किसी के नीचे आएगा 8x² के नीचे x² -9xy के नीचे xy +7yz, सेम वाले राइट टर्म सेम होंगे, -9 ऐड करना है, डायरेक्ट कर दो, कोई सिंबल चेंज नहीं होगा, 8 और 5 13 x² 9 में से 6 गया 3 xy 7 और 7 14yz 9 में से 8 गए 1 माइनस का, ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 1, हो गया 1, 2 की बारी है, ऐड करना है इसको भी, क्वेश्चन 2 क्या कहता है ये, -5y² + 7hc + 8fg + 9, ये हमने उतार लिया, अब इसके नीचे लिखना है 4fg, तो कहां लिखेंगे 4fg, fg के नीचे 6xc + 6hc + ठीक है, माइनस का 8 इसके नीचे, और y स्क्वायर के नीचे है ही नहीं कुछ, ऐड कैसे करेंगे बताइए, एज इट इज इसको ऐसे उतार देंगे, -5y² 7 और 6 13 हो गया 13xc, ठीक है, अंक को जोड़ेंगे, 8 और 4 कितना हो गया 12, 7 में fg है इसके साथ, 9 में से 8 गया 1 प्लस का, क्योंकि 9 बड़ी है, हो गया ये भी। 3 की बारी, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 क्या कहता है, सबट्रैक्ट करना है इसको इसमें से, तो पहले इसको उतारेंगे, ठीक है, पहले किसको उतारेंगे बताइए, पहले उतारेंगे -4y² + 4xc + 3fg - 7, अब इसके नीचे लिखेंगे 9y² 9 के नीचे 9xc के नीचे xc 7fg प्लस का है माइनस प्लस का 9, अब देखिए यहाँ प्लस सिंबल है तो इसका अपोजिट लगेगा माइनस, इसका अपोजिट माइनस माइनस माइनस,
ध्यान देना है, बीच वाला सिंबल जो है, बीच की लाइन में जो भी सिंबल है उसको ध्यान नहीं देना है। तो ये जो नीचे वाला सिंबल इसका बन गया है बीच वाली, नीचे वाली लाइन का, तो ये -9 है और -4 है, तो ये हो जाएगा -13y2। -9 में से 4 गया माइनस का 5xc, 7 में से 3 गया -4fg, 9 और 7 दोनों ही माइनस के हैं तो प्लस हो गया, लेकिन सिंबल माइनस का होगा 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, ये एंड लगा दिया है तो आई थिंक ये एड वाला क्वेश्चन था हिंदी मीडियम में, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, शायद ये एड है कि क्या है, नहीं ये सब ठीक करते हैं, चलिए छोड़िए, हम यहाँ पे फ्रॉम कर लेते हैं, इसको ठीक कर देते हैं, इसको इसमें से माइनस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4, पहले हम लिखेंगे 4abc -3xyz +9fgh। अब इसके नीचे लिखेंगे एबीसी के नीचे एबीसी प्लस एक्स वाई जेड और -fgh। अब इनके साथ कुछ नहीं है तो 1 लगा दीजिए, सब्ट्रैक्ट करना है, ध्यान देना है, माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे बताइए, सिंबल चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है माइनस माइनस, यहाँ ध्यान दीजिए माइनस है तो इसका उल्टा प्लस होगा। अब बीच वाले सिंबल को हमें, इस वाले सिंबल को हमें नहीं देखना है, तो ये नीचे वाला सिंबल किसके लिए हो गया, नीचे वाले लाइन के लिए। अब ये 4 प्लस का है, 4 में से 1 माइनस होगा, माइनस ध्यान देना, ये 4 में से 1 माइनस होगा 3abc, दोनों ही माइनस के हैं तो 3 और 1 4 एक्स वाई जेड 7 है, 9 और 1 10 fgh। अब आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 की बारी आती है, एड करना है, एड ध्यान देना है, तो इसको पहले अब लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स वाई जेड प्लस 7 वाई जेड प्लस 8 एक्स जेड, यही है ना, 8 एक्स स्क्वायर, इसके नीचे लिखेंगे 8 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स वाई जेड प्लस 7 वाई जेड माइनस 9 एक्स जेड। तो इसको बेटा ऐड करना है, ध्यान देना, इसको हमें ऐड करना है, तो हमें कुछ करना ही नहीं इसके अंदर, हमें ओनली इसको ऐड करना है, कोई सिंबल चेंज नहीं होगा। तो ये 1 है, 8 और 1 9 एक्स स्क्वायर, 9 में से 3 गया 6 एक्स वाई जेड 7 में है, 7 और 7 14 वेरिएबल 7 में है, ध्यान देना वाई जेड, 9 में से 8 गया 1 एक्स जेड, क्लियर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन 6 की बारी, सब्ट कर रहे हैं इसको, इसमें से सब्ट करना है, तो 4abc -3ab +9bc। अब इसको उतारते हैं, ab ab के नीचे आएगा प्लस bc bc के नीचे आएगा और abc माइनस का है abc के नीचे आएगा, ठीक है, बीच में यहाँ पे प्लस इसके आगे 1 1 1 लगा लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि, तो सिंबल चेंज होगा, प्लस माइनस माइनस, बीच वाले सिंबल को ध्यान देना है, नहीं ध्यान देना है, नीचे वाला सिंबल नीचे वाली लाइन के लिए, तो ये प्लस का 4 है और 1 कितना हुआ 5abc, 4 और 1 5 हो गया और दोनों ही माइनस के हैं, इसको ध्यान नहीं देना, ये देखिए इसका सिंबल है ये 3 और 1 4ab और आप ये ध्यान दीजिए 9 में से ये गया 8bc। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसको 6ab प्लस 8a² प्लस 3bc को ऐड करना है किससे, 8a² प्लस 4ab माइनस 2bc, और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।